दोस्तों भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा T20 मुकाबला काफ़ी हाई वोल्टेज, रोमांचक और थ्रिलर रहा। तो बताएंगे आपको इस बड़े मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो और आखिरी ओवर तक कौन सी टीम ने इस बड़े मुकाबले को जीतकर T20 सीरीज में अपनी एक और जीत प्राप्त कर ली है। कैसे टीम इंडिया की ओर से एक बार फिर से रिंकू सिंह का तूफान देखने को मिला, तो पूरा हाईलाइट बताएंगे। तो वहीं टीम इंडिया के गेंदबाजों ने भी कर दिया बड़ा कारनामा। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बैल बटन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा T20 मुकाबला खेला गया। इस बड़े मुकाबले में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। जिम्बाब्वे की ओर से इनोसेंट काइरिया और वैशाली मदारे दोनों ओपनिंग के तौर पर आए, लेकिन टीम इंडिया की ओर से मुकेश कुमार ने दोनों ओपनर को पवेलियन में पहुंचा दिया। उसके बाद में ब्रायन बनेट ने काफी शानदार बल्लेबाजी की और जिम्बाब्वे का स्कोर तेज गति से 50 के पार ले गए, लेकिन उसके बाद में रवि बिश्नोई गेंदबाजी लेकर आए और बैक टू बैक ओवर में दो सफलता दिलाकर टीम इंडिया को चौथी और पांचवी सफलता दिला दी। उसके बाद में जिम्बाब्वे की पारी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई और धीमी धीमी गति से रन बनाते हुए जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर राजा ने जिम्बाब्वे की पारी को 100 के पार पहुंचा दिया। देखते देखते निर्धारित 20 ओवर में जिम्बाब्वे की पूरी पारी सिर्फ 132 रन बना पाई और जिम्बाब्वे ने निर्धारित 20 ओवर में टीम इंडिया के सामने 133 रन का टारगेट दे दिया। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की ओर से कप्तान शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा दोनों ओपनिंग के तौर पर आए और इन दोनों ने काफी शानदार शुरुआत की, लेकिन टीम इंडिया के दोनों ओपनर्स 30 के स्कोर के पहले ही पवेलियन में लौट गए। टीम इंडिया को दो विकेट जल्दी गिर जाने से टीम इंडिया बैकफुट पर चली गई थी। उसके बाद में संजू सैमसन ने टीम इंडिया की पारी को संभाला। उसके बाद में शिवम दुबे भी आए, लेकिन अंत के ओवरों में रिंकू सिंह का तूफान देखने को मिला, जहां टीम इंडिया को यह बड़ा मुकाबला जीतने के लिए आखिरी 5 ओवर में 35 रन की जरूरत थी, जहां रिंकू सिंह ने टीम इंडिया की पारी का मोर्चा संभाला और काफी शानदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दी और रिंकू सिंह अंत तक खड़े रहे और काफी शानदार 3 छक्कों के मदद से टीम इंडिया को जीत के करीब पहुंचा दिया। अब टीम इंडिया को मैच 7 रन की जरूरत थी और रिंकू सिंह ने एक काफी शानदार छक्का लगाकर टीम इंडिया को यह बड़ा मुकाबला जिताते हुए सीरीज में 2-1 से बढ़त बनवा दी। टीम इंडिया ने तीसरा T20 मुकाबला 5 विकेट से जीत कर अपने नाम कर लिया और T20 सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली, जहां रिंकू सिंह की अंत के ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखी गई। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको हाईलाइट से जुड़े हुए वीडियो देखने को मिलते रहे।